ऐसे नहीं है, रक्षा भी मेरी बहुत ख्याल रखती है। मेरी जरूरत जो भी होता है बेचारी, पानी देना, खाना देना, सब ध्यान रखती है ये। लेकिन पानी ये खाना देती है, बाकी कुछ नहीं दे पाती है। एगो रूप बना के इन्हें मत जा, जबाना ठीक नहीं खे तोहरों कस्टमर ढेर घुमाता रहे। कोनो भाज दी आदमी बन जाइबो। बिहार है भाई, कुछ चलता है आजकल। जब से नीतीश चचा दारू बन के लेबे, लोग ताड़ियों पर जी लेता। तू तू तो खजूरे लगता रहो। मैंने अभी हम कपड़ा खोल दी, ऐसे लग रहा है जैसे रक्षा बैठी है और मैं मोजरा गाने वाला हूँ। कि चमकते चांद का टूटा तारा बना डाला, आईना जो तुझे कम पसंद करते हैं, इन्हें पता है कि तुम्हें हम पसंद करते हैं, इन्हें पता है कि तुम्हें हम पसंद करते हैं, जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। अब देखो मैं कितना बदतमीज इंसान हूँ। मेरे बड़े भैया मेरे सामने बैठे और मैं एक लड़की लड़की पे साक्षात लाइन मार रहा हूँ। चल रहा है मेरा एकदम फ्लर्ट चल रहा है। जाए दी जगह है पजाना देखा। अच्छा कितना लोग अपना माई से प्यार कर रहे थे। हाथ उठाओ उठाओ। लव यू लव यू। आ कितना लोग मेहरारू से करेला। आ कितना लोग भौजाई से करेला। अपना मेहरारू से दूसरा का ना मेहरारू का सब बोले से अपना मेहरारू से कितना लोग प्यार करेला। कोई नहीं प्यार करी हलो। सुनलो तार लोग एगो थ्योरी बताओ तार। जब बाहर दोसर दो चार गो लफड़ा होके त मेहरारू से प्यार ज्यादा करी हलो। जेंगा मुरली बिया करले नंबर शौक होई न कोनो दिक्कत होई त प्यार बढ़ा दी हलो। इसी बहाने कम से कम रिश्ते की अहमियत तो समझ में आएगी। जिंदगी में एक बात बताऊं आपसे, हमें संभालने के लिए पूरी दुनिया हो सकती है कि लेकिन जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना तो हमारा परिवार सबसे पहले होता है। तो जिंदगी में हमेशा अपनी पत्नी को अहमियत रखिएगा। एक राम थे जिन्होंने एक स्त्री के लिए जिनकी दीवानी पूरी दुनिया थी, पूरा त्रेता जिसका दीवाना हो वो एक अपनी वाइफ के लिए अपने पत्नी के लिए रावण जैसे बलशाली से युद्ध कर लिया। तो जिंदगी में हमेशा पत्नी का अहमियत हमेशा ऊपर रखिएगा, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है लेकिन एक बेहतर पत्नी, सूरत से कोई पत्नी नहीं होता, आचरण से पत्नी होता है। तो जिंदगी में मैं जब भी अपने घर पे जाता हूँ 3 महीने 2 महीने 1 महीने बाद जाता हूँ, क्योंकि इनके भी जीवन में कोई होगा, कोई आएगा, कोई आने वाला होगा, तो सबकी अपनी जीवन है यार, जीने देना चाहिए। मेरे जीवन में एक ही आई है जिसका नाम है चंदा, और वो मेरे जीवन की सबसे अनमोल रतन है। और मैं अपने जीवन में जब मैं शादी नहीं किया था, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ था ही नहीं। बड़े भाई यहाँ पे आए हुए हैं, इधर आइए। मैं अपने अपने घर के सबसे बड़े बेटा से मिलाता हूँ आप लोगों को। ये है मेरे हृदयलाल यादव, और हमारे पापा के बाद यही हमारे गार्जियन हैं।
और हम दोनों भाइयों का प्यार जो है, मुझे लगता है कि राम लक्ष्मण का भी उतना प्यार नहीं होगा जितने हम दोनों के अंदर होता है। तो जिंदगी में भाई से बड़ा दोस्त और भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं और इनके साथ में जीवन का हर वो कबूल लड़की पर लाइनों मारे गलत नहीं कर समन में मारी ले लेकिन तू ही सपोर्ट कर मौगी से हमारा मत बताई हो। तो जिंदगी में अगर आपको रिश्तों को निभाना है तो उसको रिश्ते मत निभाइए, उसको दोस्त बना लिए। अपने पापा को बुढ़ापे में दोस्त बनाइए, उससे बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता। अपने बड़े भाई को दोस्त बनाइए, उससे बड़ा मित्र कोई हो नहीं सकता। बैठ जाए पात्र सीधी करो हम का कि माँ के जो ज्योति नूर मिलता है सबके दिलों को सजूर मिलता है। इसमें 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 इसका लेवल लेवल थोड़ा सा थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा बेस को सार सार कि माँ के जो जो शेर मिलता सबके दिलों को मिलता कि माँ के दरिया कुछ न कुछ जरूर मिलता प्रेम से